मुंबई इंडियंस ने शुक्रवार को आईपीएल 2024 से पहले हार्दिक पांड्या को अपना कप्तान नियुक्त किया। हार्दिक ने बेहद सफल रोहित शर्मा की जगह ली, जिन्होंने आईपीएल के दिग्गजों को 5 ट्रॉफियां दिलाई। मुंबई इंडियंस की ओर से ये घोषणा हार्दिक की पिछले महीने फ्रेंचाइजी में वापसी के बाद हुई। गुजरात टाइटन्स से हाई प्रोफाइल ट्रेड के बाद, जिसका उन्होंने पिछले 2 सीजन में नेतृत्व किया था, कप्तानी बदलाव की खबर की घोषणा के बाद एमआई ने सोशल मीडिया पर रोहित के लिए एक भावुक पोस्ट डाला। 2013 में एमआई के कप्तान का पद रोहित शर्मा ने संभाला। उनका कहना था कि आपने हमें विश्वास करने के लिए कहा, जीत और हार में आपने हमें मुस्कुराने के लिए कहा। 10 साल और 6 ट्रॉफियां बाद हम यहां हैं। हमारे हमेशा के लिए कप्तान, आपकी विरासत को नीले और सुनहरे रंग में उकेरा जाएगा। धन्यवाद कैप्टन आरू, एक्स पूर्व में ट्विटर पर एमआई ने लिखा। हालांकि रोहित शर्मा के कप्तानी से हटाए जाने के बाद ये तमाम तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि रोहित और हार्दिक के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब ये देखना होगा कि इस विवाद का असर क्या मुंबई इंडियंस की टीम पर पड़ेगा या नहीं। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।